Bell Twins. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हरियाणा के यमुनानगर में। और आप सभी जानते हैं कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यहां से होकर लुधियाना की तरफ जाता है, जिसका ताजा स्टेटस हम यहां पर देखने वाले हैं। स्टेशन से थोड़ी दूर चलकर अब हम यहां यमुना गली वाली रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंच चुके हैं। पहले यहां पर रेलवे क्रॉसिंग हुआ करती थी, लेकिन अब यहां एक अंडरपास बनाया जा रहा है। और सामने दिख रही है दोनों ब्रिजेस सहारनपुर अंबाला लाइन पर बने हुए हैं। और यहां पर अंडरपास के लिए कॉन्क्रीट बॉक्सेस को अंदर असेंबल किया जा चुका है, लेकिन इसके बीच का हिस्सा अभी खाली है और यहां पर आने जाने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इसे पूरी तरह कंप्लीट होने में अभी काफ़ी समय लगेगा। और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का नया ओपन वेब गर्डर ब्रिज वेस्टर्न यमुना कैनल पर लॉन्च होने के लिए तैयार खड़ा है। आप इस वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं कमेंट करके अपनी लोकेशन जरूर बताना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए अब इस अंडरपास के नीचे से उस पार निकलते हैं। ये अंडरपास अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। और ये लिमिटेड हाइट का अंडरपास है, यानी यहाँ से ज़्यादा ऊँचे व्हीकल्स आ जा नहीं सकेंगे। यमुनानगर वालों को याद होगा कि यहाँ पर एक सड़क हुआ करती थी और अगल बगल दुकानों से यहाँ पर चहल पहल रहती थी, लेकिन अब यहाँ का नज़ारा बदल चुका है। दाएं तरफ ये अंडरपास ओल्ड हमीदा को जोड़ेगा और यहाँ से सीधा उस पार। और इस अंडरपास के ऊपर ओपन वेब गर्डर ब्रिज लॉन्च होने के लिए तैयार खड़ा है। और इस ब्रिज को लॉन्च करने के लिए तमाम एक्सटेंशन अरेंजमेंट फिट किए जा चुके हैं। और आने वाले समय में इस ब्रिज से सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियां होकर गुजरेंगी। अगर हम बात करें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, तो इसकी कुल लंबाई 1839 किलोमीटर है, जो पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर वेस्ट बंगाल के दांकनी पर जाकर ख़त्म होगा। और इस समय हम इस कॉरिडोर के पिलखनी सन्नेवाल सेक्शन पर हैं। अब आप लोगों के मन में सवाल आना लाजमी है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ट्रैक सिंगल होगा या डबल। तो इसका उत्तर ये है कि लुधियाना के सन्नेवाल से खुर्जा के बीच 400 किलोमीटर का सेक्शन सिंगल ट्रैक रहेगा, क्योंकि इस बीच स्पेस की कमी थी। और बाकी इस कॉरिडोर का रिमेनिंग हिस्सा डबल ट्रैक रहेगा और ये एंड टू एंड इलेक्ट्रिफाइड लाइन होगी। नाउ आई होप कि मैंने आपके काफ़ी सवालों के जवाब दे दिए हैं, लेकिन अब भी अगर आपको कोई सवाल है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी हम जिस ब्रिज पर खड़े हैं, ये यमुनानगर सहारनपुर रोड पर बना हुआ है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये लगभग 43 से 44 साल पुराना ब्रिज है। काफ़ी पुराना होने के साथ साथ ये ब्रिज काफ़ी व्यस्त भी रहता है। और यहाँ पर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए वेस्टर्न यमुना कैनल पर एक नया ब्रिज पीछे तैयार खड़ा है। अगले महीने तक ये ब्रिज यहाँ पर लॉन्च हो जाएगा। और उधर इंडियन रेलवे के पुराने ब्रिजेस अपनी सेवा दे रहे हैं। अभी हम चलेंगे यमुना के इस पार, लेकिन उससे पहले इस ब्रिज को हम थोड़ा करीब से देख लेते हैं। यहाँ से ये ब्रिज कुछ इस तरह दिखता है। और इतना बड़ा विशाल काय ब्रिज अभी वेस्टर्न यमुना कैनल पर लॉन्च होगा, ये सोचकर काफ़ी आश्चर्य होता है। और कुछ वफादार लोग इस ब्रिज की यहाँ पर रखवाली कर रहे हैं। उस तरफ है यमुनानगर की गुड साइडिंग, जहां पर लोडिंग अनलोडिंग की जाती है। और यहां से ये नया ब्रिज कुछ इस तरह दिखता है। ये पूरा एंड तक सिंगल स्पैन है। इस ब्रिज का अभी भी फिनिशिंग वर्क ही चल रहा है, क्योंकि इसकी मजबूती के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। सामने दिख रहे रोलर्स की मदद से इस ब्रिज को वेस्टर्न यमुना पर खिसका कर लॉन्च किया जाएगा। उस ब्रिज से अब हम यहाँ वेस्टर्न यमुना कैनल के इस पार आ चुके हैं, और थोड़ी देर पहले हम वहाँ खड़े थे। और ये नया ब्रिज वहाँ से खिसक कर वेस्टर्न यमुना कैनल के इस पार आएगा।
और ये हैं इंडियन रेलवे के पुराने ब्रिजेस जो सहारनपुर अंबाला लाइन पर अपनी सेवा दे रहे हैं। और यहाँ से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का अलाइनमेंट पिलखनी की दिशा में जाता है और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है पांसरा रेलवे क्रॉसिंग। देखने वाली बात यह है कि पांसरा रेलवे क्रॉसिंग पर क्या बनेगा, एक अंडरपास या फिर एक फ्लाईओवर। ट्विंस WDG 4D लोकोमोटिव्स के साथ 14712 श्री गंगानगर हरिद्वार इंटरसिटी एक्सप्रेस यमुनानगर स्टेशन से डिपार्ट कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आप चाहें तो मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।